इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल ई लोड के बारे में समझेंगे यहाँ पर सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है जो कि फोर्थ हाई से मिलकर कंसिस्ट होता है दैट इज टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर जो सर्किट है वो सिंगल फेज ए सी सप्लाई से कनेक्ट रहता है एंड यहाँ पर लोड्स कनेक्ट है दैट इज रजिस्टर इंडक्टर एंड बैटरी थाई का अरेंजमेंट इस तरह रहता है कि वन टाइम पर T1 वन एंड टी कंडक्ट करता है एंड वन टाइम पर T3 थ्री एंड टी कंडक्ट करता है नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं इसमें जब सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 वन एंड टी के अक्रॉस करेंट फ्लो करती है एंड उसी टाइम T1 वन एंड टी में गेट करेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे दोनों थाई कंडक्ट करता है इस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से थायरिस्टर टी वन में जाती है एंड टी वन से लोड में जाती है जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड लोड से थायरिस्टर टी टू में जाती है एंड सर्किट को कंप्लीट करती है एंड ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल पोलारिटी चेंज हो जाता है एंड इस टाइम करेंट की डायरेक्शन इस तरह होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से थायरिस्टर टी थ्री में जाती है एंड T3 से लोड में जाती है जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड लोड से थायरिस्टर T4 में जाती है एंड सर्किट को कंप्लीट करती है जब T3 T4 से करंट फ्लो करती है तो सेम टाइम गेट करंट भी अप्लाई करते हैं जिससे थायरिस्टर कंडक्ट करता है एंड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है नाउ इसके वेवफॉर्म को समझते हैं यहाँ पर ए सी करेंट की साइनोसोइडल वेवफॉर्म है जहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव साइकिल को दिखाया गया है जब इनपुट पर सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अल्फा एंगल से T1 वन एंड टी के क्रॉस गेट करंट अप्लाई करते हैं तो T1 वन एंड टी कंडक्ट करता है एंड आउटपुट वोल्टेज का वेव प्रोड्यूस होता है अल्फा एंगल तक वोल्टेज निगेटिव में जाता है एंड जब थायरेस्टर कंडक्ट करता है तो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इस टाइम पर आउटपुट करेंट इस तरह रहती है अल्फा एंगल तक डिक्रीज होती है एंड इसके बाद इंक्रीज होती है इस टाइम टी वन एंड टी टू के अक्रॉस थायरेस्टर वोल्टेज भी टी वन एंड भी टी जो है वो अल्फा एंगल तक ड्रॉप होता है एंड जब थायरेस्टर कंडक्ट करता है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है उसका वैल्यू जीरो हो जाता है एंड इस टाइम पर T3 थ्री एंड टी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस तरह होता है अल्फा एंगल तक वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है पर जब T1 T2 टी कंडक्ट करता है तो उस टाइम T3 थ्री एंड टी में वोल्टेज का ड्रॉप होता है जो कि माइनस भी के इक्वल होता है ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल थाईरेस्टर T3 थ्री एंड टी में अल्फा एंगल से गेट करेंट अप्लाई करेंगे तो T3 T4 कंडक्ट करने लगेगा एंड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा अल्फा एंगल तक वोल्टेज निगेटिव में जाता है ड्यू टू इंडक्टिव लोड एंड अल्फा एंगल के बाद आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जब वोल्टेज निगेटिव में जाता है तो आउटपुट करेंट अल्फा एंगल तक डिक्रीज करती है बट जब T3 T4 कंडक्ट करता है तो करेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है इसमें करेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो रही है क्योंकि लोड पर बैटरी ई कनेक्ट है इस टाइम पर T1 T2 में थायरेस्टर वोल्टेज इस तरह होता है अल्फा एंगल तक वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है एंड जब अल्फा एंगल के बाद टी थ्री टी फोर कंडक्ट करता है तो उस टाइम टी वन टी टू में वोल्टेज का ड्रॉप होता है एंड इस टाइम पर टी थ्री टी फोर में थायरेस्टर वोल्टेज जो है ए टी थ्री एंड भी टी फोर वो अल्फ़ा एंगल तक होता है एंड जब अल्फा एंगल के बाद टी थ्री टी फोर कंडक्ट करता है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो सर्किट फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ बिहेव करेगा अल्फा एंगल के बाद T1 T2 कंडक्ट करेगा एंड आउटपुट वोल्टेज एंड करेंट प्रोड्यूस होगी एंड अल्फ़ा एंगल तक T1 T2 में वोल्टेज का ड्रॉप होता है एंड उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा एंड टी थ्री में अल्फा एंगल तक वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा एंड जब टी वन कंडक्ट करेगा तो T3, T4 में वोल्टेज का ड्रॉप होगा जो कि माइनस भी के इक्वल होगा एंड अगेन जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो सर्किट फर्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल की तरह बिहेव करेगा एंड वेब फॉर्म प्रोड्यूस होगा फॉर दिस सर्किट एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी नोट इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ भी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बी टू भी एम बाई पाई पोस अल्फा Average RMS value of output voltage VOR is equal to 1 by pi integration of V square m sine square omega t d omega t. That is equal to V square m by pi omega t minus 1 by 2 into sine 2 omega t alpha to alpha plus pi. And it will be V square m by 2. दैट इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर देर आर मैनी डिफ्रेंसेज बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स्ट कम्युनिटेशन लाइक जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो ए सी सर्किट में अप्लाई होता है जबकि फोर्स्ट कम्यूटेशन है वो डी सी सर्किट में अप्लाई होता है नेचुरल कम्यूटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है जबकि फोर्स्ट कम्युटेशन में एक्सटर्नल सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है लाइक इंडक्टेंस एंड कैपेसीटेंस इसका यूज़ एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में किया जाता है जबकि फर्स्ट कम्यूटेशन का यूज इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स में किया जाता है नेचुरल कम्यूटेशन में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द थाये जबकि फर्स्ट कम्यूटेशन में वोल्टेज एंड करेंट दोनों के हेल्प से थायरेस्टर को टर्न ऑफ करते हैं नेचुरल कम्यूटेशन में कम्यूटेटिंग पीरियड के टाइम पावर लॉस नहीं होता है जबकि फर्स्ट कम्यूटेशन में पावर का लॉस होता है एस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है बट यहाँ पे इसका कुछ बेसिक्स हम लोग समझते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो एक टाइप का यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है एस थ्री टर्मिनल एंड फोर लेयर से मिलकर कंसिस्ट होता है इसके गेट टर्मिनल पर जब हम लोग कुछ एंगल से जब गेट पल सप्लाई करते हैं तो जो एस सी है वो टर्न ऑन हो जाता है मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगती है बट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो एस आर है वो कंडक्ट करता है जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कंडक्ट नहीं करता वो रिवर्स वायस्ट कंडीशन में आ जाता है इसलिए इसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर सेमी कंडक्टर डिवाइस बोलते हैं इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें